अब की बार 90 प्लस पार, ये सपना आप सबका है। और ये सपना सिर्फ आप सबका ही नहीं है, ये सपना हमारा भी है और आपके माता पिता का भी है, क्योंकि आप इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात पढ़ाई कर रहे हो और हम आपके सपने को साकार करने के लिए दिन रात आपको पढ़ा रहे हैं, और आपके माता पिता भी आपके इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात आपके पीछे लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो यूं समझिए बच्चों, ये जो सपना है सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं है, और हमें खुशी होती है कि आप जैसे बच्चों का प्यार और सपोर्ट हमें मिला है, और अपनी YouTube फैमिली इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा कभी। और बहुत ज्यादा खुशी है कि एग्जाम भाई लगने वाला है, आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हुई होगी या नहीं भी हुई है, तो आप बचे हुए समय में अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें और मोनू सर से मिलने का जो मौका है वो बिल्कुल ना गवाएं, क्योंकि हमें भी बहुत ज्यादा भाई हमारी अंदर भी ये एक मंशा है, हमारी भी एक इच्छा है, हम आपसे मिलें, आपके साथ वीडियो शूट करें, आपके साथ बातें करें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, जो भी हो सकता है हम आपको कुछ गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पर दें। ये हमारी मतलब भी ये हमारे अंदर की बात है, ऐसी हमारी धारणा है, लेकिन कभी कभार हम सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं क्या वो सही है, क्या आप जो पढ़ाई कर रहे हो, क्या जो आपके पढ़ने का तरीका है वो एकदम सही डायरेक्शन में है, क्या आप जिस तरह से पढ़ रहे हो इस तरह से 90% आएगा। क्योंकि बच्चों सिर्फ पढ़ाना ही हमारी फितरत में नहीं है, आप अगर गलती कर रहे हो तो कहां कर रहे हो वो चीज बताना भी जरूरी है, क्योंकि जब कोई बच्चा गलती करता है तो भाई माता पिता का फर्ज होता है कि उन्हें डांटे और उस गलती को वो दोबारा ना करें, इसलिए उनको समझाएं। तो वही चीज भाई हमें भी करना होगा, अगर आप गलती कर रहे हैं बच्चों तो हम भैया हमारा फर्ज होता है हम आपको समझाएं, आपको डांट सकते हैं, हो सकता है आज जो हम बोलेंगे हमारी बातें आपको बुरा लगे, ये हमारी बातों का बुरा लगे, आपको अच्छी ना लगे ये बातें, लेकिन ये कड़वा सच है बच्चों। आज जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आप एक भेड़ बकरियों की तरह पढ़ रहे हो, आज जो पढ़ रहे हो ना एकदम भेड़ बकरियों की तरह है, भीड़ में केवल भाग रहे हो, किस डायरेक्शन में जाना है पता ही नहीं है, आप दिखावे के लिए पढ़ रहे हो भाई, स्टेटस लगा दो कि यूपीएससी करना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, डिफेंस में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, भाई हमें क्या करना है पायलट बनना है ठीक, या फिर रेलवे डिपार्टमेंट में जाना है, बैंकिंग में जाना है, सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जो आज आप जी रहे हो ना बच्चों ये कल्पनाओं की दुनिया है, मतलब ये यूं समझिए ये केवल ये एक इमेजिन है, कल्पना है बस, आप वास्तविक दुनिया में जी ही नहीं रहे हो, आप वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अलग दुनिया में जी रहे हो, जहां पर एक ऐसी दुनिया है जिसका वास्तविक दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं है। ऐसे पढ़ाई करके आप अपने सपनों को पूरा करोगे, माता पिता के सपनों को पूरा करोगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं ना, चलिए हम बताते हैं। हमने इसके पहले कुछ दिन पहले एक वोटिंग किया था, एक वोटिंग वाला क्वेश्चन दिया था कि टीबी का टीका, टीबी में जो टीका लगता है वही कौन सा होता है, तो उसमें 82% यानी 1,00,000 बच्चों ने वोटिंग किया, और उसमें से 82% बच्चों के जो जवाब है वो गलत है, उन्होंने डीडीटी पर, यूं समझिए एकदम अनपढ़ और गंवार जो होते हैं ना ऐसा परिचय दिया है आप लोगों ने, 82% बच्चों ने गलत जवाब दिया है, जबकि भाई डीडीटी तो एक कीटनाशक होता है, खतरनाक दवा है, बीसीजी होना चाहिए, केवल 14-15% बच्चों ने सही दिया, चलिए उसको छोड़ देते हैं ना। फिर से एक क्वेश्चन हमने पोस्टिंग किया, फिर पोस्ट एक क्वेश्चन किया, एक एएमयू बराबर कितना होता है, फिजिक्स का क्वेश्चन, तो 931 एमईवी सही होना चाहिए, तो उस पे भी लगभग 30,000-40,000 बच्चों के वोटिंग आ चुके थे, लेकिन पोस्ट को डिलीट करना पड़ा, बहुत ज्यादा गुस्सा आई, दिल से बुरा लगा कि इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं आप लोग, फिर उसके बाद पढ़ाई देखिए क्या है, उस पर भी 80% बच्चों के जवाब जो थे वो गलत थे, लगभग 13-14% बच्चों के ही सही जवाब थे, बाकी सबने क्या है गलत पर ही पोस्ट किया, मतलब उस पे ही क्लिक किया, चलिए उसको भी हटा दीजिए, उसको हमने डिलीट मार दिया। फिर से एक क्वेश्चन डाला कि अज्ञेय जी की को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उस पे भी 79-80% बच्चों के गलत जवाब थे, लगभग 14-15% बच्चों के ही सही जवाब थे। तो हमारे बात मतलब ये नहीं समझ में आया भाई, एक क्वेश्चन में हो जाए, दो में हो जाए, तीन में हो जाए, तो आप
किस बेसिस पर आप भी इतना फुदक रहे हो कि अब की बार 90 प्लस फोड़ेंगे, इस तैयारी पर फोड़ोगे? भाई बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। अगर आपके लिए मेहनत हम करें और आप इस तरह से उसका रिजल्ट देंगे तो क्या हो जाएगा? घर वाले तो सोच रहे हैं कि भाई वही है ना कि मेरा मुन्ना जब बड़ा हो जाएगा देख लेना शेर दिल कहलाएगा। और पापा कहते हैं कि बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। अब बेटा क्या कर रहा है खुद आप जानते हो। बच्चों ये जो पढ़ने का तरीका है ना, अगर आप इससे तो आप जो पढ़ रहे हो ना कि बस केवल हमने बताया ना कि आप केवल भीड़ में भाग रहे हो भेड़ बकरियों की तरह। देखा कि 80% बच्चों के सवाल जवाब जो हैं इस पर हैं, तो आपने अपना ही जवाब बदल दिया क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। अगर 1,00,000 बच्चों ने वोटिंग करी, अगर 80% 82% अगर जाए तो हम क्या समझेंगे कि पढ़ने वाले कितने हैं? इसमें यही तो हुआ ना कि आपको पता था कि हाँ आंसर ये है, लेकिन आपने केवल जवाब देखकर उसकी वोटिंग देख करके आपने अपना जवाब बदल दिया, तो आपको खुद पर भरोसा नहीं है। तो दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके गोली चलाओगे? बोलिए ऐसी पढ़ाई करोगे बच्चों? ठीक कह देना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो आप सोच रहे हो जितना सही है, जरूरी नहीं है कि जिन्होंने जवाब दिया है जिन्होंने टिक किया सही ही हो। आपको खुद पर भरोसा है ना। हम बोल दें कि भाई नींबू का स्वाद बहुत मीठा होता है, तो बोलो कि मोनू सर ने बताया है ये तो सही होगा भाई, वो टीचर हैं, तो मैं गलत हो सकता हूं। लेकिन आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए ना कि ये जो चीज है ये एक्चुअल में होती भी है या फिर नहीं। ठीक, तो ऐसे मेहनत करोगे बच्चों तो आपका करियर क्या होगा, आप किस तरह से जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, वो सीधा दिख रहा है। और आप सबके लिए बस एक ही शायरी है, ध्यान से देखिए कि मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, कि मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि मेहनत कैसी थी। ये चंद्र लाइनें आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। आप आज सोच रहे हो ना कि घर में भाई बहन है, बड़े माता पिता हैं, उनके दिखावे के लिए बस पढ़ लेते हैं यार, थोड़ी देर किताब उठा लेते हैं, क्या होगा, चले जाएंगे तो रख देंगे। लेकिन ये धोखा किसको दे रहे हो? आप अपने आप को दे रहे हो ना भाई। ये बातें ध्यान से समझिएगा कि मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा। आज आपकी ये जो मेहनत है यही कल बताएगी कि रिजल्ट कैसा आएगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि मेहनत कैसी थी। नहीं तो जब रिजल्ट आएगा तब तो पता चल जाएगा ना सबको कि आपने मेहनत कैसी की थी, कितनी मेहनत की थी। आज आप भले ही सीना चौड़ा करके चल रहे हो, मुझे तो सब पता है मैं पूरा का पूरा कर लूंगा, कल को रिजल्ट आएगा तो दुनिया तो जान जाएगी ना कि आपने कितना मेहनत किया था, आपने क्या पढ़ा था। इसलिए बच्चों सपनों की दुनिया से बाहर आओ, दिन रात मेहनत करो, हमने बोला यही समय है। आप अपने आप को एकदम एकांत जगह पर रखिए, कैद कर लीजिए अपने आप को, ना कोई यार ना कोई दोस्त ना कोई गेम ना कोई कुछ भी नहीं। यूं समझिए बस जो 1-2 महीने बसे हैं ना इसमें तप करिए, तपस्या करिए, वही सब कुछ है और यही आपका करियर डिसाइड करेगा। आज जो आप कुछ भी नहीं हो, सोचते हो कि मेरे पीछे पूरी दुनिया है, मेरे पीछे मेरा सम्मान बहुत लोग करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं हो बच्चों। जब तक आप बेरोजगार हो, जब तक आपके लाइफ में कुछ भी नहीं ना, गांव के कुत्ते भी आप पर भौंकेंगे, तो कैसे आप समझ लीजिए। किसी से 10,000 रुपए मांगकर देख लो, पता चल जाएगा अपना कौन है, पराया कौन है। तो इस दुनिया से बाहर आओ, मेहनत करो, सबसे अलग। भीड़ में अगर जब तक रहोगे बच्चों भीड़ ही बनकर रह जाओगे, बट आपको वो बनना है जिसके लिए भीड़ लगे। हम इस स्थिति से गुजर चुके हैं और आज बहुत बड़े टीचर नहीं बच्चों, लेकिन वो गलती आप ना करिए। इसलिए हम आपको ये चीज बता रहे हैं, हम भी आपके जगह से उठकर आज यहाँ पर खड़े हुए हैं और बहुत बड़े टीचर नहीं हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है बच्चों कि हमने भी उतना जो कष्ट सहे हैं, जो दुख और दर्द झेला है ना, उसे आज भी वो हमारे दिमाग में चलता है। और अधिकांश लोग जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से हमें पता है कि 80% स्टूडेंट ऐसे ही हैं जो आज बहुत ही मुश्किलों में जी रहे हैं, जिनके ऊपर आने वाले समय में पूरे परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ होगा। तो माता पिता की आंखों में एक सपना है, दिल में एक आस है, उसे कभी मत तोड़िए बच्चों। मेहनत करिए, पढ़ाई करिए सही डायरेक्शन में, पढ़ने का सही तरीका ढूंढिए। आप अपने आप में खुद एक मोटिवेशन हो, कोई दुनिया में कोई मोटिवेट आपको करने वाला नहीं है। हम तो बस कुछ बातें बताते हैं कि हाँ भाई ये सही है ये गलत है, बाकी हम हजारों वीडियो आपको दे दें मोटिवेशन का कोई मतलब नहीं।
आपको खुद से बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। तो ये चीज ध्यान देना बच्चों, कभी कभार बुरा लगता है तो बुरा मत मानिएगा हमारी बातों का, अगर हम आपको भाई उल्टा सीधा बोल देते हैं, क्योंकि भाई कहते हैं ना कि बुरा लगता है, अगर आप मैं आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं तो ऐसा मत करिए, सही तरीके से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। जब कोई चीज एकदम क्लियर हो जाए तभी उसके बारे में सोचिए कि यह चीज हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं किसी और मजेदार टॉपिक के साथ।